सीरियल फर्स्ट कमिंग सर टिकटॉक भी करना इनका अपने तगाड़ आल्टा की चीज एकदम तो यो पाल पाल नीचे भी जरूर ना मशीन खार नहीं कही और अब मिल को दगम को लो का दस बार बोर्ड हम को लो का आई के तन्ना का टिकटर लगी दी का टिकटर में कुछ बटन वो हो का टिकटर ना आई की पगुंड नावल जरूर दागे पेन ठीक हो आई तो दी वही चीज तन्ना स्वाजी दले होने आगे पर जम होला हम सारा चीज ने मल्टीमीटर भी डिजिटल क्लेम मल्टीमीटर ची वर्ता वही आई की हम कंटिन्यू मिल योजा किताब सर आपले मल्टीमीटर शेता को दुकान बिहार आते सीरियस बोर्ड बांधी चीज सीरियस बोर्ड में जस था तो ये कंटिन्यूटी खाइए काफ़ की योजना कंटिन्यूटी खाइए जी ना ना पूरे बिजली बस सीरियस की ना कभी उसी पे चिक दादी तो सीरियस बांधे सीरियस की कंटिन्यूटी चिको बाबल चे रखे एवन का यूसो एक कदा तो कर मुझे और काफल पीछे यूजे भी करना था आ बता पत्त होगी कि भाई दादी ताकम लगा चीज है कहना कोई चीज़ ना आन नहीं रहा सही रहे खराब डिस्कनेक्ट ना रही जी रिले पे हो सकता है ना लेकिन ये तो 24 वोल्ट है ना नहीं कंटिन्यूटी कुछ है जगह हो सकती है लेकिन इसमें फिर भी वोल्टेज वोल्टेज जाएगा 110 वोल्ट होने इसको मिलेगा ये जल जाएगी जहाँ पर 220 होगा ना तो वोट लगेगी लेकिन 110 वोल्ट फिर 110 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो जाएगा 110 वोल्ट होना उसमें ड्रॉप हो जाएगा फिर वो जल जाएगा 24 वोल्ट है ना वो हमने चेक कर दिया अभी हमें जो है ना उसकी कंटिन्यूटी तो मालूम है हम ये चेक करेंगे कभी इसका कौन सा नॉर्मल ओपनर या नॉर्मल क्लोजर काम नहीं कर जैसे इसकी तबाह या कॉन्ट्रेक्टर जो ना आप टेंजर हो गए या ना जैस हुआ फिर उसके नॉर्मल ओपनर पर जो ना हम चेक करेंगे एक पर ले गए दूसरे पर आपस में जो ना वो हमें सप्लाई दे रहे टूटी की अगर सप्लाई नहीं देगा हमें पता चल जाएगा अभी अंदर से ये जो आपस में कमी जो कंटेक्ट होते हैं ना ये जल भी जाते हैं स्पार्किंग करते 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 उसके ऊपर जो है चांदी की कवरिंग होती है तो वो जल जाती है तो जब वो आपस में जो ना ऐसे फरस ये गैप कही दे ना ये आपस में इतने मिले होते तो काम करेगी ये अगर इतना गैप आ गए तो वो काम नहीं करेगा तब भी जो है हमें वो कॉन्ट्रेक्टर चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए जो है ये सीरियस बोर्ड है अभी सीरियस बोर्ड बनता कैसे मालूम है इसको सीरियस बोर्ड बना ये दूसरा टारिक है इधर अगर हम ऐसे करेंगे ना ये टमाटर करेगा ऐसे नहीं ये सिर्फ सीरियस नहीं करना कोई भी लेंथ जो है ना किसी भी एक्सेप्शन चीज में के अपने अपने सैंपल होते हैं परत में एक जगह पर इंटरव्यू के लिए चले गए उसने मुझे दिखा दी कि भाई ये क्या चीज है जो स्विच मैंने उसको कहा कि बटन है तो बटन तो इसको भी कहते सही है ना बटन और चीज को भी कहते अगर मैंने उनको वो मुझे फेल कर देगा अगर मैंने उसे कहा कि भाई ये सिंगल वे स्विच है तो मुझे पास कर हर चीज़ का प्रॉपर नाम है सही है ना हर एक चीज़ का अपना प्रॉपर नाम है उसका प्रॉपर प्रॉपर जो है ना क्या नाम है सैंपल है सैंपल अभी उस मैंने ये उसने ये कहा कि ये क्या चीज़ है मैंने कहा ये सिंगल वे स्विच है मुझे फेल करेगा नहीं ये ट्रिपल स्विच है और मुझे पास करेगा ये क्या चीज़ है ये पोश वाला नहीं इसको मैं सिंगल वे स्विच नहीं कह सकता इसको मैं कोई बटन ना होगा इसी तरह हर एक चीज का बनाए हैं सारे स्विच हैं ये जैसे ही हम नीचे जो है इनको सप्लाई देंगे ये नेगेटिव के साथ हो गया पॉजिटिव के साथ जो ना हम लाजमी फ्यूज लगाएंगे फ्यूज का सैंपल क्या है ये फ्यूज का सैंपल है सही है सर हर एक जगह पर जो ना सिंगल स्विच का अपना एक सैंपल होता है ये सिंगल वे स्विच का ये सैंपल है ये सिंगल वे स्विच का सैंपल है लेंथ का सैंपल जो ना ये सही तो इसको हम न्यूट्रल देते जैसे मेरे भाई ने कह दिया न्यूट्रल ले दिया ये पॉजिटिव जो है मैं स्विच को देखो एक आम तौर पे स्विच को और स्विच से जो है ना इधर जो ना हम लोग इसको इस वायर को जो है नेगेटिव वायर कहते हैं ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है इसको जो ना पॉजिटिव वायर कहते हैं यहाँ से बैटरी से लेके यहाँ तक इसको पॉजिटिव वायर कहते हैं लेकिन फिर यहाँ से लेके ये स्विच से लेंथ तक इसको जो ना हाफ वायर कहते हैं
चार किस्म के सिंगल फेज वायरिंग में हमारी वायर यूज होती है, एक को पॉजिटिव वायर, एक को नेगेटिव वायर, एक को हाफ वायर, चौथे को जो ना आर्क वायर, सही है ना। कोई भी पूछे करूँगे कि भी किसने किस्म के वायर यूज होते हैं, आप उसको कहो कि भाई चार किस्म के, आपको बोलेंगे कौन कौन सी है, तो तीन यूज होते हैं, एक जो ना पॉजिटिव या नहीं सर, जो सिंगल वे स्विच से टू वे स्विच से जो वायर जाती है लोड तक, इसको हम लोड का नाम देते हैं, तो इसको जो ना हाफ वायर कहते हैं, सही है। अब इधर मैंने सिंगल वे स्विच लगाई है, ये सप्लाई इधर जाएगा, ये ऑन होगा। मैं सीरियल बोर्ड बनाता हूँ, तो सीरियल बोर्ड में हम लोगों ने यह सुना है कि भाई दो चीज़ें हम आपस में जो है ना कनेक्ट करते हैं परस्पर, ये दो लैंप, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये दूसरा लैंप है ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में जो है ना कन्वर्ट करूँगा, सही है ना। इधर जो है ना सप्लाई, इधर भी सप्लाई आ गया, तो ये मेरा सीरियस हो गया। अभी मैं इससे जो ना इधर मैंने टू पिन सॉकेट लगा दिया, इससे मैं जो ना सीरियस चीज लगा रहा हूँ, परस्पर मैं मोटर ठीक कर दो, मेरे पास एक मोटर है या जो ना फैन है, ये पेडिस्टल पे या दूसरा फैन जो ना उसका, ये सिंपल है, इसकी जो ना दो वायरें निकली हुई है, सही है ना। तो ये वायर देख इधर मिल गया ना, तो ये वायर जो ना इधर मिल गया सॉकेट के जरिए से, तो ये मेरा जो ना ये देख ये सीरियस सर्किट बन गई। इसमें आपने बटन नहीं लगाया, बटन वैसे लगाना है क्या? अगर आप बटन लगाएंगे तो फिर इधर जो ना आप बटन लगाएंगे, बटन लगाएंगे क्योंकि एकदम डायरेक्ट आप किसी चीज को नहीं लगाते, वो पावर का जो है वो ये बटन ऑन करेंगे तो ये जो ना ऑन होगा। आप पहले जो ना उसके वायर जो ना इसमें देंगे, जैसे मैंने दो वायर आपस में खींच के, ये वही दो वायर है, एक ए एक ए, और ये जो ना फैन का या जो ना किसी भी चीज का जो ना इनपुट आउटपुट वायर, सही है ना। तो आप जैसे इसको ये कंटिन्यूटी बताएंगे तो ये लैंप जो ना रोशन होगा, कंटिन्यूटी इसके अंदर ठीक है, तो मतलब ये है कि वायर ठीक है, वायर जो ना कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कंटिन्यूटी बल्ब नहीं जल रहा, तो मतलब यहां पे शॉर्ट हो चुका है, अंदर जो ना इसका ये क्या नाम है जल चुका है, वायर जो ना आपस में अनकंटिन्यूटी मतलब ये दूसरे के साथ टच हो गई है, फिर इसमें जो ना इसमें जो ना मोटर के लिए दो तीन किस्म की चीजें होती है, ये कि भाई आपको इसमें जो ना अगर 200 वाट का लैंप यूज करेंगे, 200 वाट का वो अगर डैम लगेगा, डैम मालूम है ना, मदम मदम लगेगा, तो इसका मतलब है कि भाई ये मेरा मोटर जो है ना ये ठीक है, मोटर मेरा ठीक है, ये मोटर भी मदम चलेगा, ये इसमें जो लोड लगा हो वो भी मदम चलेगा, अगर वो तेज जो ना रोशन होगा लैंप जो ना तेज रोशन हो रहे, ये चलता भी नहीं है स्लो, इसका मतलब ये कि भाई ये अंदर से शॉर्ट सर्किट है, मोटर शार्ट है। दूसरे अगर हम किसी चीज की जो ना शार्टिंग यूज करते हैं मालूम करते हैं, पर यार ये मोटर मेरे पास आ गया, मैंने जैसे स्विच लगाया इसको हाथ लगाया तो मुझे करंट मिलेगा, सही है ना। तो जैसे ही आपके पास कोई चीज आएगी उसका सबसे पहले जो ना शॉर्ट सर्किट ठीक करते हैं, शॉर्ट सर्किट हम कैसे ठीक करेंगे, इसका दो वायर है, ये एक वायर जो ना इसके ऊपर लगाएंगे, दूसरे इसके बॉडी के साथ टच करेंगे, बॉडी के साथ टच के ये लैंप जो ना ऑन हुआ, तो इसका मतलब ये है कि भाई इसका अंदर वाली वायर इसके बॉडी के साथ लगी हुई है, ये शॉर्ट सर्किट है। जैसे ही आप इसको हाथ लगाएंगे आपको झटका लगेगा, सप्लाई जो ना आपको पकड़ेगी, अगर ये ऑन नहीं हुआ, लैंप ऑन नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि भाई अंदर से शॉर्ट सर्किट नहीं, ये सीरियस बॉट का बस यही कही है कि बॉडी ऑलरेडी शॉर्ट होती है ना जी, बॉडी तो वैसे भी शॉर्ट होती है ना, लेकिन वो तो वायर के साथ शॉर्ट नहीं होती है ना, वायर के साथ अंदर जो ना इंसुलेट होती है, किसी भी पंखे की वायरिंग जो वायरिंग और बॉडी आपस में इंसुलेट होती है, ट्रांसफार्मर की वायरिंग और उसकी बॉडी आपस में इंसुलेट होती है, बाहर की बॉडी का जो हॉल होता है ना उसके बाद वो तो सारा लोहे का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, कहीं भी दोनों उसको लगाएंगे तो बल्ब तो जलेगा, नहीं मैंने कहा कि सर एक जो ना उसकी वायर के साथ लगाएंगे, उससे जो दो वायर निकली होती है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक वायर के साथ लगाए तो दूसरा बॉडी के साथ लगाएंगे, मोटर की वायर के साथ दोनों अगर बॉडी के साथ लगाएंगे तब तो कोई फायदा नहीं हुआ, एक जो ना आप वायर के साथ लगाएंगे, दूसरा जो ना बॉडी के साथ लगाएंगे, कोई भी चीज होगी ना तो उसको शॉर्ट करने शॉर्ट सर्किट ठीक करने के लिए और यूज होती है, उसकी कंटिन्यूटी ठीक करने के लिए यूज होती है। ये जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास जो ना तीन वायर है, फर्स्ट ये सिंगल फेज में, हर एक मोटर में हमारे पास दो भी वेल्डिंग होती है, ये थोड़ा मोटा बनाता हूं, ठीक है, ये मोटे ये पतले, जो मोटी वायर होगी वो रनिंग के लिए,
जो पतली होती है वो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग हर एक रिवेंडिंग में थ्री फेज के अलावा जो सिंगल फेज है ना हमारे पास दो किस्म की उसके अंदर कॉइल होती है, एक को रनिंग कहते हैं दूसरे को स्टार्टिंग कहते हैं। ये इसके दोनों को सेल को आपस में मिला के इससे जो सरद निकलते हैं ना इसको कामन कहते हैं, कामन कहते हैं। और ये रनिंग हुआ, ये स्टार्टिंग हुआ, ये कामन। अभी हमें जो ना कपेस्टर तीन व्हील दोनों के साथ लगा दें, एक जो है ना रनिंग के साथ कपेस्टर तो मालूम है ना हर एक चीज़ में जो ना कपेस्टर लगे होते हैं, इंडक्टिव चीज़ें भी चीज़ें ना पंखा है मोटर है इसमें जो ना कपेस्टर लगे होते हैं। एक को जो ना हम रनिंग के साथ लगाएंगे सिर्फ, दूसरे को जो ना ये कपेस्टर की निशानी, ये निशानी जो ना सिंपल ये कपेस्टर की है सही है। हमारे पास सप्लाई है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पर उसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव जो ना कार्बन को डायरेक्ट चलेगा और ये जो ना रनिंग को जाएगा, तो मोटर जो ना क्लॉक वाइज जो ना घूमेगा। अगर मैं यही सप्लाई यहाँ से काट के ना इधर दूंगा यहाँ पर, तो मेरा मोटर उल्टा चलेगा, एंटी क्लॉक वाइज जो ना चलेगा। अभी बात यह कि भाई मैं कैसे मालूम करेंगे ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये काम है। इसका आपका फार्मूला आप देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है, लेकिन इसका आसान तरीका क्या है भाई, मैं एक टेस्ट लैंप के जरिए कैसे मालूम करूँगा। मैं टेस्ट लैंप का जो दो वायर है एक को इधर लगाऊंगा एक को इधर लगाऊंगा, ये मुझे जो ना इसका वायर जो ना मोटी है सही है ना, ये देख ये इधर तक जो ना इसकी आ चुकी है, ये इधर लगाऊंगा एक उधर, तो इसका जो लैंप है वो सबसे जो ना मध्यम होगा, सबसे ज्यादा मध्यम होगा, यानी लो लाइट हो सबसे मध्यम। अभी मैं एक वायर इधर लगा दिया रनिंग पे, एक जो ना इधर कामन पे लगा दिया, तो ये रास्ता जो ना इसका शॉर्टकट हो गया, यानी थोड़ा फास्ट इसने यूज किया और देख यहाँ से यहाँ तक हुआ। दूसरी बात इसमें ये इसका ये जो वायर है ये मोटी है, आसानी के साथ जो ना इसमें काम किया, तो ये जो ना दरमियानी लाइट होगी। ये सबसे ज्यादा जो है ना रोशन होगा, ये मोटी वायर है तो यहाँ से जो ना इस दर तक आ गया, ये सबसे ज्यादा लैंप जो ना रोशन होगा। अभी मैं जो है एक कामन पे लगाता हूँ एक इधर स्टार्टिंग पे लगाता हूँ सही है ना, तो उसके बदले में ये वायर जो ना पतली है ना, तो करंट गुजरने का रास्ता जो है ना थोड़ा तंग होगा। एक आदमी जो है ना खुले रास्ते से जा रहे तो सही से जा रहे, लेकिन दो तीन आदमी तंगली से जा रहे फिर लाजमी बात है थोड़ा रफ्तार उसका कम हो जाता है, तो इसका रफ्तार जो है ना इससे भी जो है ना कम होगा सबसे कम।